तो दोस्तों लॉन्च हो गया है शाओमी का रेडमी नोट 7S। जी हाँ, बिल्कुल सेम है रेडमी नोट 7 की तरह ही, और इसकी प्राइस की बात करें तो 1000 रुपये फालतू है ये रेडमी नोट 7 से। पर इसी के साथ कुछ फीचर्स आपको फ़ोन में अलग से मिल जाते हैं, जैसे 48 मेगापिक्सल का कैमरा, और मेरे हिसाब से तो बस यही आपको मिलता है। बाकी अगर हम बात करें तो सारे फीचर बिल्कुल सेम है रेडमी नोट 7 की तरह। तो बात कर लेते हैं फटाफट से इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में और बताते हैं आपको क्या मिलता है आपको रेडमी नोट 7S के साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पर जिस चीज़ की बात करनी चाहिए वो है डिस्प्ले, और डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलता है 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, जिसका पिक्सल रेजोल्यूशन है 1080x2340 वाला, और ये 19:9 के डिज़ाइन के साथ में आता है। तो मतलब डिस्प्ले भैया सेम है Redmi Note 7 वाला ही। और इसी के साथ अगर आगे बात करें फ़ोन के प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर आपको यहाँ पर मिलता है Qualcomm Snapdragon का 660, जो कि आपको Redmi Note 7 में भी मिल जाता है। और इसके साथ ही आगे बात करें फ़ोन की स्टोरेज की, तो स्टोरेज में आपको दो वेरिएंट मिलते हैं बिल्कुल Redmi Note 7 की तरह ही। यहाँ पर आप 3GB 32GB वेरिएंट को ले सकते हैं, या फिर 4GB 64GB वाले वेरिएंट को भी ले सकते हैं। दोनों ही वेरिएंट्स के साथ में आप इसकी स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं 512GB तक एक माइक्रो एसडी कार्ड लगाकर। और इसी के साथ अगर हम बात करें फ़ोन के मेन हाईलाइट मतलब कैमरे की, जिसकी वजह से Redmi Note 7S बनाया गया है, तो यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है प्राइमरी कैमरा। जी हाँ, इसके बैक साइड पर डुअल रियर कैमरा का सेटअप है, जिसमें आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल का, और उसी के साथ में आपको 5 मेगापिक्सल का भी एक सेंसर मिल जाता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें फ़ोन के फ्रंट कैमरे मतलब सेल्फी कैमरे की, तो यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है मतलब फ्रंट कैमरा। तो अगर हम और बाकी चीज़ों के बारे में बात करें तो ये आपको जब मालूम पड़े जब 23 तारीख को फ़ोन लोगों के हाथ में आ जाएगा। जी हाँ, 23 तारीख को इसकी फर्स्ट सेल है, फ्लिपकार्ट और Mi.com एंड मी होम तीनों जगह पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा 23 तारीख से। तो जब ही मालूम पड़ेगा कि फ़ोन किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसकी फीचर्स सामने निकल कर आते हो, क्या कैमरा परफॉर्मेंस है एक्चुअल में, तो हमें 23 तारीख को ही मालूम चलेगा। तो बाकी आगे आप वीडियो को देखते रहिए और मैं आपको बताता हूँ इसकी बाकी के स्पीकर्स की। बात करें और फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको 3.5mm का ऑडियो जैक मिल जाता है, लाउड स्पीकर फ़ोन में है, नॉइस कैंसिलेशन के लिए डेडिकेटेड माइक भी आपको मिल जाता है, और यहाँ पर इसी के साथ आपको वाईफाई ब्लूटूथ इन्फ्रारेड मतलब IR ब्लास्टर आपको मिल जाता है, जिसका यूज़ आप अपने TV का रिमोट या फिर AC वगैरह का रिमोट बनाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, इन्फ्रारेड लाइट इसी चीज़ के काम में आती है। और आगे बढ़े अगर हम फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी फ़ोन में मिल जाता है, जो कि रियर साइड पर है Redmi Note 7 की तरह ही। और यहाँ पर बात करें फ़ोन की बैटरी की, तो आपको यहाँ पर 4000mAh की बैटरी मिलती है ली पॉलीमर्स की, जो कि क्विक चार्ज 4 को सपोर्ट करती है। जी हाँ, फ़ोन में फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाती है, और इसी के साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है फ़ोन में USB Type-C का सपोर्ट। अब थोड़ी सी नज़र डालते हैं फ़ोन के डिज़ाइन की तरफ, तो यहाँ पर आपको फ़ोन में जो डिज़ाइन मिलता है वो ऑरा डिज़ाइन है, और इसी ऑरा डिज़ाइन के साथ कंपनी ने जैसा कि बताया है कि फ़ोन के बैक एंड फ्रंट दोनों साइड पर ही आपको गोरिल्ला ग्लास 5 मिल जाता है। जी हाँ, बोथ ऑफ साइड, चाहे वो फ्रंट हो चाहे वो बैक हो, दोनों तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास 5 मिल जाता है। और फाइनली बात कर ले फ़ोन की प्राइस की, तो यहाँ पर जो प्राइस निकल कर आती है वो 3GB 32GB वाले वेरिएंट के लिए 10,999 रुपये, और उसी के साथ अगर हम बात करें 4GB 64GB वाले वेरिएंट की प्राइस की, तो यहाँ पर उसकी प्राइस निकल कर आती है 12,999 रुपये। तो मतलब 11,000 और 13,000 में आपको ये फ़ोन मिलेंगे। 4GB 64GB के लिए आपको 13,000 देने होंगे, और 3GB 32GB के लिए आपको 11,000 रुपये देने होंगे। 1000 रुपये फालतू हैं, चाहे आप दोनों में से कोई भी वेरिएंट देख लें मार्केट में, दोनों के दोनों ही। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि अब 48 मेगापिक्सल भी आपको कंपनी ने दे दिया है 1000 रुपये फालतू लेकर। बाकी अगर मैं आपसे बात करूँ दोनों में से लेना कौन सा चाहिए, तो जी हाँ, आप Redmi Note 7 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1000 रुपये फालतू डालकर आप 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा ले सकते हैं। और मुझे बता सकते हैं कि कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में, अच्छी लगी या ख़राब ये भी ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।